अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोगों की फरमाइश पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँ आपको, और कल से जो व्लॉग है वो अपलोड होगा सुबह 11 बजे 11 AM। ओके, याद रखिएगा, और प्लीज जैसा आप मुझे अभी सपोर्ट करते हैं वैसे ही आगे भी करिएगा, मैं आपके साथ हमेशा बनी रहूंगी। तो गाइज मैं बैठी हूँ अभी रेडी होने के लिए, और मैं आपको सब दिखाती रहूंगी कि आप लोगों को चाहिए था मेकअप ट्यूटोरियल। तो मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस भी किया था कि मैं ईद पर मेकअप ट्यूटोरियल दूंगी, तो आज मैं रेडी होने के लिए बैठी हूँ, तो मैं आपको सारी चीजें बताती रहूंगी। मैं लगाऊंगी सबसे पहले लैक्मे का ये जेल प्राइमर। ये जो है फेस पे लगाने से अगर आपके पैचेस नहीं पड़ते हैं, तो फाउंडेशन आप लगाओगे तो आपको पैचेस नहीं होंगे, तो मैं सबसे पहले ये यूज करूंगी। सबसे पहले मैं करूंगी यही यूज अपने फेस पे, अप्लाई करूंगी, इसको अच्छे से मैश कर लें। तो प्राइमर जो है वो बिल्कुल से ऑब्जर्व हो गया है फेस के अंदर, और अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो मैं ले रही हूँ फिट मी फाउंडेशन, तो आईज के नीचे और ऊपर लगाऊंगी, और सबसे पहले आईज का मेकअप करेंगे, उसके बाद फाउंडेशन लगेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईज के ऊपर और आईज के नीचे लगाना फाउंडेशन। मैं ब्लेंडर यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे पैचेस हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ हाथों से ही फाउंडेशन लगाती हूँ अपने फेस पे। आईज के नीचे, अंडर आईज एंड ऊपर अच्छी तरीके से फील करके आप फाउंडेशन लगाएं। मैं कुछ भी ऊपर से एक्स्ट्रा बेस वगैरह कुछ नहीं लगाती। तो अच्छे से आईज के ऊपर और नीचे फाउंडेशन लग चुका है, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी कि फिट मी पाउडर अंडर लाइन्स हैं वो कवर हो जाए। तो मेरा जो ईद का आउटफिट है उसका कलर जो है वो है पीकॉक कलर है उसका, बट मैं जरूरी नहीं है कि आप अगर जो कलर पहन रहे हैं वही आप आई शेडो लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज पिंक मेकअप करूंगी, पिंक लुक रखूंगी। जरूरी नहीं होता है कि आप जो कलर पहने वही आई शेडो आप अपने आईज के ऊपर लगाएं। तो सबसे पहले आईज की ये वाली लाइन जो होती है ऊपर की आईब्रो के नीचे वाली, इसको फील करना होता है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये वाला शिमर। मेरी आईब्रो जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, इस वजह से मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती, बट आप लोगों की अगर आईब्रो लाइट हो तो आप लोग यूज़ करें, बट मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हैवी है आईब्रो। तो आईब्रो के नीचे जो है वो प्रॉपर से लाइन शेप बनाकर मैंने जो है शिमर लगा लिया है, अब मैं करूँगी आई मेकअप। मेरी जो आई शेडो किट है वो है लैक्मे एब्सोल्युटली, ये मैट है सारे शेड्स जो हैं। मैं आईज का अपने पिंक लुक रखने वाली हूँ, तो मैं लगाऊंगी ये वाला सबसे पहले आईज के ऊपर, ये लाइट मैट ब्राउन है। और एक ये रही मेरी आई शेडो किट, ये मिस ब्यूटी की किट है, तो इसके अंदर बहुत सारे मल्टी कलर्स हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये मंगा सकते हैं, तो जिसमें से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ब्राउन शेड। ब्राउन लगाने के बाद अब मैं यूज करूंगी न्यूड शेड, और लास्ट में मैं यूज करूंगी बेबी पिंक। एंड लास्ट में मैं यूज करूंगी मिस ब्यूटी का स्पार्कल, हल्का हल्का टैप कर करके अपने फिंगर पे, उसके बाद आईज पे लगाऊंगी। तो मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो मैं शिमर का ये वाला गोल्डन लूंगी और ये वाला जो है आईज के यहाँ पे फील करूँगी, जो है लास्ट में गोल्डन टच दूंगी। मैबेलिन का लाइनर मैंने यूज किया है। तो मेरा एक साइड का लाइनर लग चुका है, चलिए दूसरे वाले में भी लगाती हूँ। ये गाइस कैसी है, गाइस कैसी। तो लाइनर जो है प्रॉपर से लग चुका है, और अब मैं नीचे लगाऊंगी आई शेडो, ये ग्रे वाला आई शेडो ले रही हूँ नीचे लगाने के लिए। ओके, और अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा, मैबेलिन का येलो वाला मस्कारा। मेरा मस्कारा जो है मैंने एक आईज पे लगा लिया और एक आईज पे नहीं लगाया, तो आप देख सकते हैं लुक एक आईज का और एक आईज का। और मैं जो है आज
लैशेस नहीं लगा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो मैंने आज मस्कारा ही लगाया। प्रॉपर से डनी हो गया मेरा ये मेकअप, आप देख सकते हैं। तो अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मैंने लगा लिया, पहले लिप लाइनर लगाऊंगी उसके बाद लिपस्टिक लगाऊंगी। आई शेडो जो है मैंने पिंक लगाया, तो मैं लिपस्टिक भी पिंक लगाऊंगी। तो मैं बस लगा रही हूँ लैकमे की लिपस्टिक, इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा है और मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं यही लगाऊंगी। फिट मी का मैंने लिया है न्यूड कलर का ब्लश है, मैं पिंक वाला नहीं लगाती, मुझे ज़्यादा हैवी लगता है। ब्लशर तो मैंने लगा लिया और अब लास्ट में मैं लगाऊंगी शीमर गोल्डन वाला। मेरा जो वर्क है सूट के अंदर वो गोल्डन है, तो मैं गोल्डन शीमर लगाऊंगी। तो मेरा जो मेकअप है वो पूरा डन हो चुका है और अब जो है मैं पहनूंगी आउटफिट। तो मैंने आउटफिट पहन लिया है और जो मेरे बाल है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहे हैं, तो मैं इन्हें करूँगी कर्ल। ओके, तो मैंने जो है अपने हेयर किए हैं कर्ल और अब जो है मैं सारी ज्वेलरी पहनूंगी। मैं ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं नहीं पहनती, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो चलिए पहनते हैं ज्वेलरी। तो मैं हो गई हूँ प्रॉपर से रेडी।